हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में पाइप टी ब्रांच फार्मूला फार्मूला के जरिए कैसे बनाएंगे इस तरीका का टी ब्रांच, इक्वल हो या अनइक्वल हो, दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। इस तरीका का अगर टी ब्रांच बनाना हो तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इस पाइप के ऊपर मार्किंग करके दिखाऊंगा। ये पेपर मैं पाइप के ऊपर लगा के रखा हूँ, इस पे मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि पाइप के ऊपर डायरेक्ट कैसे मार्किंग करेंगे। 16 सेंटर लाइन में हो या 8 सेंटर लाइन में मारना हो तो मैं आपको सिर्फ अभी 8 सेंटर लाइन में मार के दिखाऊंगा और 16 सेंटर लाइन के लिए आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा, आप वैसे मार सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, इस पे हम क्या करेंगे, इस पाइप के ऊपर पहले हम 8 सेंटर लाइन मार देंगे, 8 सेंटर लाइन। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं, इसमें मैं 8 जगह ये सब टिक लगा दिया हूँ। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इस तरीका से पूरा लाइन मार देता हूँ। आठ सेंटर लाइन हो गया इसमें। अब मैं इसमें आपको फार्मूला बता देता हूँ कि ये फार्मूला क्या है। तो फ्रेंड, मैं अपने वेबसाइट के ऊपर ये सब फार्मूला डाल के रखा हूँ, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें इक्वल टी ब्रांच फार्मूला है 90 डिग्री, जैसे इसमें आप फोटेज में देख सकते हैं दोनों सेम ही रहेगा। इसे ब्रांच बोलते हैं और इसे हैडर बोलते हैं। तो मान लीजिए ये फार्मूला रहेगा हैडर ओडी इंटू 2/5। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया, जैसे 4 इंच का ओडी है 114.30 mm, 114.30 × 2 यानी कि 2 से गुना कर देना है तो यहाँ पे आ गया 228.60 mm, और डिवाइड 5 से कर दिए तो 45.72 mm आ गया कटबैक। तो ये तो 4 सेंटर लाइन अगर आप मारेंगे तो 2 सेंटर लाइन पे आपको ये कटबैक मारना है इक्वल टी ब्रांच के लिए। जैसे आप ये फुटेज में आप देख सकते हैं, नीचे आके यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो ग्रीन वाला जो मैं लाइन मार के रखा हूँ ये 8वां सेंटर लाइन है, और ये लाल वाला जो है 4 सेंटर लाइन में एक यहाँ बैक कट आ गया और एक इधर बैक कट आ गया है। ये दोनों मतलब कि ये उस तरफ हो गए, मतलब ये पाइप को मैं फ्लैट पोजीशन में रखा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ कौन सा ये लाइन है। आप समझ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक बैक कट आ गया और एक दूसरा बैक कट यहाँ पे आ गया, तो ये 4 सेंटर लाइन में हो गया। तो ये रेड वाला जो है 4 सेंटर लाइन पे हो गया। अगर मान लीजिए आप 8 सेंटर लाइन में मार रहे हैं तो 8वां सेंटर लाइन का जो पोजीशन होता है वो 45 डिग्री पे होता है। जैसे आप ये पाइप की तरह मैं बना दिया हूँ और ये जो है फ्लैट पोजीशन में बना दिया हूँ। अब आप यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एक जो है बैक कट आपको यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया, ये 4 सेंटर लाइन में हो गया लाल वाला। अगर आप 8 सेंटर लाइन में काटना चाहते हैं तो इसका जो पोजीशन होता है ये यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे 0 डिग्री हो गया और इसके बीच में 45 डिग्री हो गया। तो ऐसे चारों जगह 45 डिग्री पोजीशन लेता है। ये 8वां सेंटर लाइन के लिए आपको क्या करना है कि जो बैक कट हमारा ये आंसर जो आया हुआ है 45 डिग्री के लिए, हम लेंगे ये वाला फार्मूला 0.7071, इतना में और इतना गुना कर देंगे। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। 45.72 है, 0.7071, ये हो गया 0.7071 इंटू 45 पॉइंट, कितना था 45.72 बराबर कर दिए। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर जो आ गया 32 mm आ गया 45 डिग्री पोजीशन वाले के लिए, 32.32। तो आप यहाँ पे अब यहाँ जो बैक कट आएगा और यहाँ पे 4 पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे पाइप में अगर आप समझा दें आपको, 8वां जो सेंटर लाइन जो रहेगा ये यहाँ 8वां, मतलब ये दोनों के बीच में हर जगह पे आपको मतलब 32 mm मारना है। यहाँ भी 32 mm आएगा, यहाँ भी 32 आएगा, यहाँ भी 32 आएगा, यहाँ भी 32 आएगा, तो ये 8 सेंटर लाइन में हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि आप 16 सेंटर लाइन में अगर आप मारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे हम 45 मारे थे, इसके पहले उसके बीच में दो, इसके बीच में जो आएगा 22.5 डिग्री आएगा और इसके बाद जो लाइन आएगा वो 67.5 डिग्री में आएगा, 67 डिग्री में आ जाएगा, 67.5 डिग्री में आ जाएगा, और ये इसके पहले वाला जो पॉइंट आएगा वो 22.5 डिग्री आ जाएगा। तो हर जगह वैसा ही होगा सेम, ये 0 डिग्री से इधर भी उतना ही होगा और ये 0 डिग्री से फिर इधर इतना होगा, 22.5 डिग्री, 45, फिर 67, फिर ये 0 से यहाँ पे 22.5, 45, 67। इसी तरीके से इसका डिग्री पॉइंट जो पोजिशन जो है, डिग्री में हम पोजिशन लेंगे, पॉइंट लेंगे, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 0 के बाद 22, फिर 45, फिर 67, फिर 90 डिग्री, फिर यहाँ पे 0 डिग्री से इधर इतना ही आएगा, इधर इतना ही आएगा। तो ये 67 डिग्री और 22 डिग्री के लिए ये वाला फार्मूला है, उसी तरीका से आप लेंगे जैसे इसमें दिया हुआ है। 22 डिग्री के लिए हम लेंगे आंसर जो आया हुआ है
ये वाला, ये जो आंसर आया हुआ है, आप 22 डिग्री पॉइंट पे ये वाला फॉर्मूला लेंगे और 67.5 डिग्री वाले पोजीशन पे 0.3826 ये वाला फॉर्मूला जो है ले लेंगे। तो ये आया कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैलकुलेटर में आप देखे होंगे साइन होता है, तो उसमें आपको जाके सिर्फ साइन सेलेक्ट करना है और उसमें डिग्री डाल देना है। साइन इंटू डिग्री डालेंगे तो ये जो है आपको निकल जाएगा। साइन इंटू डिग्री, साइन इंटू 45 डिग्री, साइन इंटू 22.5 डिग्री, साइन इंटू 45, साइन इंटू 67.5 डिग्री। तो फ्रेंड मैं आपको ये मार्किंग करके दिखाया था हूँ किस तरीके से मार्किंग होगा। और मेरे ब्लॉग पोस्ट पे आना चाहते हैं गूगल सर्च में जा करके आप सर्च करिए fabricatorguide.com, तो ये मेरा ब्लॉग पोस्ट जो है मिल जाएगा वेबसाइट। और अगर आपको मान लीजिए ये वेबसाइट का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए वीडियो में, मैं आपको भेज दूंगा। और ये जो आप सर्च बटन जो देख रहे हैं यहाँ पे, आप अगर सर्च मार के आप कोई भी फार्मूला ले सकते हैं यहाँ से, आपको जो भी फार्मूला चाहिए। तो मान लीजिए कि ये जो है जीरो पॉइंट है, जो सबसे ऊपर वाला आप अगर मेन सेंटर लाइन मारे हैं तो ये जीरो हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये एक छोड़ के यहाँ पे जो आता है वो 90 डिग्री में हो गया, और ये एक छोड़ के ये भी 90 डिग्री में हो गया, और ये नीचे वाला भी, इसका एकदम नीचे वाला जो हो गया ये भी जीरो हो गया, और ये 90 और ये जीरो के बीच में जो ये हो गया ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया, और ये नीचे वाले से और ये 90 के बीच में जो आ रहा है ये भी 45 डिग्री हो गया, और इधर भी इस 90 के बीच में, 90 डिग्री के बीच में ये जो है गया 45 डिग्री हो गया। अगर इसके बीच में एक और आप लाइन अगर आप मारते हैं तो ये 22.5 डिग्री हो जाता है, और इसके बीच में एक और सेंटर लाइन आप मारते हैं तो वो 67.5 डिग्री में हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये जीरो के बाद एक और लाइन आप मारते हैं 22.5 डिग्री में हो जाएगा, और यहाँ पे अगर एक और लाइन बढ़ाएंगे तो 67.5 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये 45 डिग्री में आता है, इधर भी और इधर भी और ये वाला और ये वाला। तो ये जो आंसर आया हुआ है ये 45 mm, इसको हम मारेंगे 90 डिग्री वाले पे, और ये 32 वाला जो है 45 डिग्री पे हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 90 डिग्री वाला है यहाँ पे हम ये बैक कट हम दे देंगे 45 mm, यहाँ पे ये देखिए ये 45 mm हो गया, और फिर इधर जो है 90 वाले पे भी हम दे देंगे यहाँ पे 45, इधर भी हो गया ये 90 वाले पे। अब ये 45 डिग्री वाले पे आ रहा है कितना, 32 mm, तो यहाँ पे हो गया ये 32, और यहाँ भी हो गया ये 32 mm, और नीचे जाएंगे ये भी 45 वाला डिग्री जो लाइन है यहाँ भी दे देंगे इसे 32, और इधर जो आता है एक और 45, ये जीरो के बाद नीचे वाला ये भी 45 डिग्री वाला लाइन है, तो यहाँ पे 32 mm यहाँ भी दे दिए। अब देने के बाद क्या करेंगे, ऐसा लाइन करने के बाद ये सब इस तरीके से हम इसमें मिला देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि ऐसे जो है ये फेस जो है राउंड कर देंगे। कटिंग करते समय आपको राउंडिंग कटिंग करना है, ये जो है फेस जो है राउंड कर देंगे। इसके बाद इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख रहे हैं ये कटिंग हो गया है। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं ये बिल्कुल आसानी से ये इसमें लग चुका है, अब बिल्कुल आसानी से ये बैठ गया। इधर से भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है और फॉर्मूला है। आप इसी तरीके से आप मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं फॉर्मूला के जरिए, थोड़ा भी साइड में गैप नहीं आ रहा है ज़्यादा। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, इस तरीके से लाइक बटन नीचे उसे आप दबा कर हमको बताइए, और इस तरीके से एक रेड बटन होगा नीचे सब्सक्राइब का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए।